हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए मार्जिन कैलकुलेटर ओपन करूंगा और यहां पर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि बहुत सारे क्वेरी मुझे आ रही थी कि सर, आप जो स्टॉक सेल करते हैं उसका प्रीमियम कितना लगता है। जो भी आप स्टॉक को सेल करते हैं, मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पर अपनी पोजिशन दिखाऊँ तो यहाँ पर देखिए, ICICI बैंक का मैंने 400 की कॉल सेल किया है और इन्फोसिस अगस्त महीने का 1080 का कॉल सेल किया है, मुथूट फाइनेंस का 1560 की कॉल सेल किया है और 1220 का कॉल मैंने सेल किया है टाइटन का। तो काफ़ी सारी यहाँ पर मुझे क्वेरी आती है कि सर, ICICI बैंक का आपने सेल किया और यहाँ पर लगभग आपको 7800 का या 8000 तक का प्रॉफिट होगा, तो इसमें मार्जिन कितना लगा है। तो वो सब मैं आप लोग को यहाँ पर बताऊँगा कि स्टॉक के ऑप्शन सेलिंग के मार्जिन कितने लगते हैं, बैंक निफ्टी का अगर हम लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं डिलीवरी में तो कितना मार्जिन लगता है, और निफ्टी का ऑप्शन अगर हम लोग सेल करते हैं डिलीवरी में तो कितना मार्जिन लगता है, और फ्यूचर को भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आप गूगल पर सिंपल जाइए और लिखिए मार्जिन कैलकुलेटर, तो आपको ओपन हो जाएगा। मैं फिर भी आपको एक बार लिख के यहाँ पर बता देता हूँ। आप कल मार्जिन कैलकुलेटर लिखेंगे तो आपको एक लिंक आ जाएगा ऊपर, आप मोबाइल पर भी इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, खुल के आ गया हमारा मार्जिन कैलकुलेटर। अब हम लोग इसको सबसे पहले हम लोग निफ्टी का देखेंगे ऑप्शन की कितने में डिलीवरी में ऑप्शन सेल होता है, और इस डिलीवरी को आप जो ऑप्शन सेल करते हैं मार्जिन और कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक बताऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो निफ्टी कितने पे अभी चल रही है। निफ्टी यहाँ पर देखिए, निफ्टी 50 चल रही है 11073 पे, 11073 पे चल रही है। तो मान लीजिए कि हमें लगता है कि 11500 तक निफ्टी नहीं जाएगी अगले वीक में या महीने के अंदर में, तो हमें अगर 11500 की कॉल सेल करना है डिलीवरी में तो कितना मार्जिन लगता है। और आप लोग को मालूम है कि मेरा 90% ट्रेड ऑप्शन सेलिंग ही होता है, बाकी ट्रेड मेरा बहुत कम होता है। तो यहाँ पर देखिए, NFO है तो इसको वही रहने दीजिए। यहाँ पर फ्यूचर है तो इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, फिर यहाँ पर सिंबल का ऑप्शन आता है, इस पर आप लिख दीजिए निफ्टी। ठीक है, निफ्टी 27 अगस्त की हमारी लास्ट एक्सपायरी है, इसमें मंथली एक्सपायरी ही दिखाता है, वीकली एक्सपायरी नहीं दिखाता है। तो मान लीजिए कि हम मंथली एक्सपायरी यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर निफ्टी 27 अगस्त, यहाँ पर कॉल है और यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस है। स्ट्राइक प्राइस हमें कौन सा सेल करना है, अभी निफ्टी 11071 या 73 पर चल रही है, तो हमें मान लीजिए कि 11500 की कॉल को हमें सेल करना है, तो यहाँ पर हम 11500 लिख देंगे। ठीक है, और कुछ नहीं लिखना है हमें। और यहाँ पर कॉल है तो कॉल पुट यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको सेल करना है। तो यहाँ पर मान लीजिए मुझे कॉल सेल करना है 11500 का, तो 75 का लॉट है, तो इसको सेल पे हम क्लिक करके एक बार ऐड कर देंगे तो हमारा जितना भी मार्जिन लगने वाला है वो यहाँ पर लिख कर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, 114000 का मार्जिन हमें लगने वाला है अगर हम इसको सेल करते हैं डिलीवरी में। तो उसी तरह से अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हमें पुट सेल करना है, तो मान लीजिए निफ्टी चल रही है 11000 पर यहाँ पर, तो हमें 10500 की अगर पुट सेल करनी है तो कितना मार्जिन लगेगा, यहाँ पर हम लोग उसको भी देख लेते हैं पुट साइड में। तो 10500 की पुट मान लीजिए हमें सेल करना है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर दूंगा नीचे वाला जो है, क्योंकि हमने पहले इसको कॉल साइड पे अप्लाई किया था, अब हमें पुट साइड पे करना है। तो बाकी कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर कॉल पुट था तो पुट कर देना है, यहाँ पर 10500 लिख देना है, और वहाँ पर पुट लिखना नहीं है क्योंकि पुट का ऑप्शन ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर अगर हम क्लिक कर देंगे तो हमें दिख जाएगा कि हमें अगर इसको पुट को सेल करना होता तो 101000 रुपये तक का मार्जिन आपको देना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह से हम लोग बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी का कितने में ऑप्शन सेल होता है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा बैंक निफ्टी, ठीक है, 27 अगस्त हमारी मंथली एक्सपायरी लास्ट वाली है। अब हम लोग देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी किस रेट पर चल रही है, तो 21640 पर चल रही है बैंक निफ्टी। ठीक है, 21640 पर चल रही है, तो हमें मान लीजिए कि 22000 या 22500 की कॉल सेल करनी है, जैसा कि हमें लग रहा है कि बैंक निफ्टी 22500 नहीं जाएगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपको 22500 की, चलिए हम कॉल सेल करके दिखाते हैं कि कितने में 22500 की कॉल आपको सेल होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर बैंक निफ्टी लिखा हमने ऑलरेडी, यहाँ पर पुट था तो हमें कॉल लिख देंगे, और यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस हमें लिखना पड़ेगा 22000 का। ठीक है, 22000 की हम लोग कॉल सेल करके देखते हैं, और लॉट साइज इसका 25 का है। हम यहाँ पर ऐड पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने निकल कर आ जाएगा कि कितना में सेल होगा। तो मान लीजिए कि 117000 रुपये में हमें सेल हो रहा है एक लॉट बैंक निफ्टी का, अगर आप डिलीवरी में सेल करते हैं तो।
और अभी बैंक निफ्टी चल रही है 21,600। तो मान लीजिए 21,000 का पुट अगर हम लोग सेल करते हैं, उसके लिए हमें यहाँ पर पुट क्लिक करना पड़ेगा और 21,000 यहाँ पर हमें टाइप करना पड़ेगा, 21,000। ओके, 21,000 का पुट हमें सेल करने के लिए इसको हमें सबसे पहले डिलीट करना पड़ेगा। अब ठीक है, बैंक निफ्टी 27 अगस्त, पुट 21,000 का स्ट्राइक प्राइस, क्वांटिटी है लॉट साइज 25 का। तो अब हमें अगर इसको सेल करना है तो 1,04,000 रुपये लगेंगे हमें पुट सेल करने में। ठीक है, और अगर आपको इसमें बेनिफिट लेना है तो हमें लग रहा है कि अभी बैंक निफ्टी चल रही है कितने प्राइस पे, 21,600, तो हम यहाँ से 1,000 पॉइंट नीचे की अगर कॉल सेल कर देते हैं, हमें लग रहा है कि 21,640 पे चल रही है, तो यहाँ से हम 1,000 नीचे का पुट सेल कर देंगे और 1,000 ऊपर की कॉल सेल कर देंगे। तो यहाँ पर हम 20,600 की पुट और 22,600 की कॉल हम एक बार देख लेते हैं कि कितना मार्जिन लगता है अगर दोनों को अगर हम हेज करके सेल करते हैं। तो 20,600 की पुट हमें सेल करना पड़ेगा देखने के लिए कि अगर दोनों को हम हेज करते हैं तो हमें कितना बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हमें एक अगर हम लोग कॉल सेल करेंगे तो 1,00,000 रुपये लगेगा, अगर हम लोग पुट सेल करेंगे तो भी 1,00,000 रुपये लगेगा, लेकिन अगर हम दोनों को एक साथ सेल करते हैं एक ही दिन में, 2-3 दिन के लिए अगर एक ही दिन में हम लोग सेल करते हैं, तो उसके लिए हम लोग देखना चाहते हैं कि कितना मार्जिन लगता है। तो 20,600 की पुट मान लीजिए मैंने सेल किया, तो यहाँ पर लग रहा है हमारा मार्जिन 96,000, और ऊपर 1,000 ऊपर हमें 22,600 की कॉल सेल करना पड़ेगा। तो हम लोग देख लेते हैं उसको भी कि कितना मार्जिन उसमें लग रहा है, क्योंकि दोनों का 1-1,00,000 रुपये के अराउंड लग रहा है, लेकिन अगर हम लोग दोनों को एक साथ सेल करते हैं तो हमें देखने को मिलता है तो मात्र 1,15,000 में हमारा दोनों लॉट सेल हो जाएगा और यहाँ पर लगभग हमें 85,000 का बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, देखिए अगर आप समझ रहे हैं मेरी बात को तो ठीक है, एक बार मैं फिर से ट्राई करता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। अगर हम एक लॉट सिर्फ कॉल या पुट सेल करते हैं तो हमें 1,00,000 रुपये के आसपास का मार्जिन देना पड़ रहा है, लेकिन अगर हम लोग दोनों को सेल करते हैं, एक कॉल और एक पुट दोनों को सेल करते हैं, तो मात्र 1,15,000 में हमारा दोनों ऑप्शन सेल हो जाएगा। इसी तरह हम लोग निफ्टी का भी देखने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि निफ्टी चल रही है 11,073 पे, तो हम इसको राउंड फिगर 11,000 मानते हैं और हम लोग ऊपर का कॉल 500 का, तो यहाँ पर हम लोग निफ्टी टाइप करते हैं, निफ्टी और 11,500 की कॉल और 10,500 की पुट को ट्राई करते हैं और देखते हैं कितना मार्जिन हमारा यूज हो रहा है। तो यहाँ पर हमें 11,500 लिखना पड़ेगा और यहाँ पर कॉल साइज है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले इन दोनों को डिलीट करना पड़ेगा ताकि ये लोग हमें डिस्टर्ब ना करें। तो 11,500 की कॉल को हमें सेल करने के लिए लग रहा है मार्जिन 1,14,000। उसी तरह हम 10,500 की पुट को भी ट्राई करते हैं, 10,500 की पुट को, तो देखते हैं हमें कितना मार्जिन देना पड़ रहा है। और यहाँ पर कॉल है तो इसको हम लोग पुट करेंगे, फिर से इसको ऐड कर देंगे, तो हमें देखिए मात्र लग रहा है हमारा जो मार्जिन है 1,31,000 में हमारा कॉल और पुट दोनों सेल हो जाएगा। आप लोग देखिए अगर हम लोग एक को सेल कर रहे हैं कॉल या पुट कोई भी, तो 1,14,000-15,000 रुपये लग रहा है, लेकिन हम अगर कॉल और पुट दूर दूर का दोनों को सेल करते हैं तो मात्र 1,31,000 में दोनों हो जा रहा है और लगभग 84-85,000 रुपये तक का बेनिफिट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से आप मार्जिन का बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, और चलिए मैं एक बार स्टॉक का भी आप लोग को बता दूँ कि स्टॉक का ऑप्शन सेलिंग कैसे करते हैं। मान लीजिए ICICI बैंक का 400 की कॉल को सेल करने के लिए कितना मार्जिन लगेगा, तो यहाँ पर आप लोग को लिखना पड़ेगा ICICI बैंक, 27 अगस्त हमारी एक्सपायरी है और स्ट्राइक प्राइस मान लीजिए कि 400 हमें लिखना है, 400 की कॉल हम सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर पुट है तो इसको कॉल करेंगे और 1,375 का लॉट साइज है, तो इन लोग को मैं डिलीट कर देता हूँ और देखता हूँ कि 400 की स्ट्राइक प्राइस ICICI बैंक का सेल करने के लिए हमें कितना पैसा देना पड़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 1,03,000 का मार्जिन हमें लगेगा और 1,03,000 का मान लीजिए मैंने सेल किया हुआ है 6 रुपये में, तो 6 × 1,375 देख लेते हैं कि कितना प्रॉफिट मुझे इसमें होने वाला है 1,00,000 रुपये के ऊपर। तो 1,375 × 6, 8,250 रुपये का मुझे प्रॉफिट होगा अगस्त महीने के अंत तक, अगर ये 0 हुआ तो, अगर ICICI बैंक 400 पे नहीं गया तो 1,00,000 रुपये मैं यहाँ पर भर रहा हूँ, उसके सामने मुझे 8,000 रुपये तक का प्रॉफिट होगा, तो लगभग एक महीने में 8% तक का रिटर्न मिलने के चांस हैं मुझे ऐसा, लेकिन मैं जब भी 4-5% का प्रॉफिट बुक करूंगा तो मैं उस ऑप्शन से बाहर निकल जाऊंगा। इसी तरह अगर आपको भी
पुट भी अगर एक सेल करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो आईसीआई बैंक का अगर हम लोग देखते हैं कि स्टॉक किस रेट पे चल रहा है, आईसीआई बैंक 346 पे चल रहा है, ठीक है, तो हम लोग 280 का एक पुट सेल करके देख लेते हैं कि उसमें मार्जिन कितना हमें मिल रहा है, क्योंकि एक अगर हम लोग सिर्फ कॉल सेल कर रहे हैं तो 1 लाख रुपये लग रहा है, तो 280 का पुट यहाँ पर हम लोग ट्राई करते हैं और देखते हैं कि मार्जिन बेनिफिट कुछ हमें मिल रहा है या नहीं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम लोग पुट सेल करते, ये वाला 280 का पुट सेल करते हम लोग, तो यहाँ पर हमें 80,000 रुपये देना पड़ता, और कॉल सेल करते हैं 400 का तो हमें 1,03,000 रुपये देना पड़ता। लेकिन अगर हम लोग दोनों को सेल करते हैं तो मात्र 1,19,000 में दोनों सेल हो जाएगा, ठीक है। देखिए 1,19,000 में दोनों सेल हो जाएगा और हमें बेनिफिट मिलेगा 63,000 का। तो लगभग अगर हम लोग 280 का पुट साइज देखते हैं तो किस रेट पे चल रहा है, 2280 PE ICICI बैंक 280 का अगस्त महीने का पुट चल रहा है हमारा 1 रुपये 75 पैसे पे, और 400 की कॉल हमारे सामने चल रही है ICICI बैंक का किस रेट पे, 5 रुपये 70 पैसे पे। तो यहाँ पर लगभग 7 रुपये तक का हमें मुनाफा दिख रहा है। अगर यहाँ की अगर 280 तक और 400 तक आईसीआई बैंक नहीं गया तो दोनों ऑप्शन हमारा जीरो हो जाएगा, और दोनों को आप अगर सेल कर रहे हैं तो मात्र आपकी कैपिटल यूज हो रही है 1,19,000। क्योंकि अगर आप एक कोई भी सेल करते हैं, कॉल सेल करते हैं, तो 1,03,000 लग रहा है, पुट सेल कर रहे हैं तो लगभग 86,000 रुपये 80,000 रुपये के आसपास लग रहा है, और दोनों को सेल करते हैं तो 1,19,000 लगता है। तो क्यों ना हम दोनों को सेल करें और मार्जिन का बेनिफिट उठाएं। यहाँ पर 63,000 का हमें मार्जिन बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं, और जो भी आपको स्टॉक सेल करना है तो सिंपल यहाँ पर स्टॉक का नाम डालिए, यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस डालिए, यहाँ पर ऑप्शन है तो ऑप्शन डालिए, फ्यूचर है तो फ्यूचर डालिए, जो भी आप डालेंगे, यहाँ पर बाई करना है तो बाई, सेल करना है तो सेल, आपको यहाँ पर जो नीचे टोटल मार्जिन दिखाएगा वही आपका पैसा लगने वाला है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप भी हमारे प्रीमियम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग का लिंक दिया गया है, उस लिंक के थ्रू अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं हमारे अंडर में, तो मैं आपको अपने प्रीमियम ग्रुप में जोड़ता हूँ, जहाँ पर मैं आपको बैंक निफ्टी ऑप्शन सेलिंग की कॉल प्लस इंट्राडे कैश की कॉल बिल्कुल फ्री में देता हूँ, जिसके कोई भी चार्ज नहीं है। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे नॉलेजफुल वीडियो हमेशा आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।